मॉर्निंग गाइस, सुबह के अभी 10:48 बज चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। बहुत ही लेट उठा हूं मैं, क्योंकि हम लोग यहां पर रात को पहुंचे 3:30 या 4 o'clock, और इतनी तेज बारिश हो रही थी और एक्सट्रीम लेवल की ठंडी भी थी। ये देखो मैं कैसे सोया हूँ, ये जैकेट पहना है जीन्स का, उसके ऊपर ये इतना ज्यादा कंबल, तो आप सोच लो मतलब राजस्थान में भी किस लेवल की एक्सट्रीम ठंडी है। और यहाँ पे देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स उठे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो सारे लोग सोए थे इतना ज्यादा कंबल लेके। अभी बाहर का कुछ माहौल ऐसा है, वाओ, ये देखो पूरा फॉग है वहां पे, एंड यहाँ पे शादी की तैयारी चल रही है, टेंट वेंट लग गया है। ये सामने जो हवेली है, ये सारे अंकल के घर है लाइन से, एंड यहाँ पे चलने वाला है डांस प्रोग्राम, जो बांदोली वगैरह आज रात को कार्यक्रम रहेगा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया, आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ। तो अभी गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून हो जाएगा अगर मैं थोड़ी देर और यहीं पे रुक गया तो फटाफट नीचे चलते हैं। सारे लोग उठ गए हैं, ये बदमाश लोग अभी मुझे मिले, और भाई मेरा फाइनली आज मिल गया है। रेलवे स्टेशन पे भाई से मुलाकात करवाई थी, एंड अभी भाई फिर से मिला है, और ये 2-4 दिन जो मैं यहाँ राजस्थान में रुका हूँ बहुत सारी मस्ती होने वाली है, और सुरेश जी भी हमारे साथ रहेंगे। 4 दिन से मैं भी वेट कर रहा हूँ भाई का, पहले आ चुका था, फ्लाइट डिले होने की वजह से लेट हो गया, बट कोई बात नहीं भाई, अभी आ गया हूँ, कमाल कर रहे हैं। एंड भाई ने थोड़े शादी के पहले जो हल्दी का प्रोग्राम इसके लिए उसका रिकॉर्डिंग भी करके रखा है अपने लिए, क्योंकि मैं मिस कर दिया वो प्रोग्राम, बट वो भी आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे अपन। सो अभी भाई अभी क्या प्रोग्राम है आज का? आज का प्रोग्राम पहले नहा लेंगे भाई, 2 दिन से नहाए नहीं है, ठंडी बहुत है यहाँ पे जबरदस्त, उसके साथ साथ बारिश भी हो रही है, पहली टाइम देख रहा हूँ कि ठंडी में राजस्थान में बारिश हो रही है। लोगों को लगता है कि राजस्थान में सिर्फ एक्सट्रीम गर्मी होती है, लेकिन जो यहाँ पे अगर दिसंबर या फिर जैन फर्स्ट वीक में आते हैं तो उनको पता रहेगा कि यहाँ की जो ठंडी है मस्त एक्सट्रीम लेवल की है, मतलब नल अगर ओपन करो तो बर्फ आ जाए। इतना साजन तेरा चाहे तुझे, तेरा।
गाइस नहाने नहीं दे रहे यहाँ पे, बोल रहे कि अभी भी ठंडी है, थोड़ा लेट नहाओ। तो अभी मैं नीचे आया हूँ और यहाँ पे देखो, ये पहला वाला जो घर है ये अंकल का है नंबर वन, एंड उसके बाद ये दूसरे अंकल का घर है एंड थर्ड नंबर अंकल का घर है। तीनों अभी भी मिलके रहते हैं और यहाँ पे कल का यार प्रोग्राम मिस कर दिया मैंने, देखो मस्त बंदोबस्त किया हुआ था यहाँ पे भी बढ़िया। एंड यहाँ पे कैसे बेटा, मस्त है, हाइट बढ़ गया तेरा। नानी श्री कौन है? एंड यहाँ पे हमारी मॉम सज धज के आई है शादी में। सो मॉम से भी मस्त मुलाकात हो गई। मॉम देखो क्या एकदम फटाफट तैयार हो गया, एकदम हीरोइन लग रही, हीरोइन। ओए क्यूटी, कैसी बेटा? हैंडसम बॉय। कैसा है? मस्त। मुझे लगता है आज के ब्लॉग में मेरे को नहाने देने वाले हैं नहीं सारे लोग, तो चलो ऐसे ही शक्ल जैसी तैसी आ रही है एडजस्ट कर लो इस ब्लॉग में। एंड अभी मैं आ गया हूँ टेरेस पे ये दिखाने के लिए यहाँ से राजस्थान में अपने घर के आजू बाजू में क्या माहौल है, कैसा व्यू है। तो आ जाओ, अभी भी थोड़ा फॉगी वेदर है, वहाँ पे बहुत सारे खेत हैं एंड ये सारे घर अंकल के हैं। ये सामने भी अंकल के घर है जो हवेली टाइप दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा और नजीक आ जाओ। सो गाइज ये देख लो, ये तीनों ये भी अंकल के ही घर है। ऐसा फील होगा आपको जैसे कोई सालों पुरानी किंग की हवेलियाँ है ना असम। और सुबह सुबह अगर जल्दी उठता ना, ये पूरा ऊपर का टॉप लेवल जो है पूरा फॉग में कवर हो जाता है और इतना बढ़िया नज़ारा है। कभी शायद अगर कल जल्दी उठना होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वहाँ पे देख लो पूरा फॉग है यार, टोटली कवर्ड इन फॉग। क्या मस्त वेदर है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी ना। यहाँ पे हम लोग बचपन में, हालांकि ये मेरा ननियाल है मतलब मॉम का घर या गांव कह सकते हैं आप, हम लोगों का फेवरेट होता है यार ननियाल। मतलब जहाँ जो कनेक्शन रहता है ननियाल में इतने सारे कजिन्स के साथ, वो कहीं नहीं बनता है। एंड मेरे और भाई की जो मैंने बताया ना बॉन्डिंग, बहुत बचपन से बहुत ही खतरनाक वाली है एंड बहुत सारा मजा मस्ती होने वाला है। तो चलो अभी नीचे चलते हैं। ओके, तो मस्त गर्म पानी से नहा के फ्रेश अप हो गया और बढ़िया यहाँ पे राजस्थानी ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। अभी मैं बाहर यहाँ पे आया हूँ एंड यहाँ पे पूरा मतलब शादी का बहुत ही जोरदार तैयारी चल रहा है। बढ़िया एकदम डेकोरेशन कितना खूबसूरत हुआ है, एक नंबर। चल आ जा बाहर घूम के आते हैं। कल रात को हम लोग लेट पहुंचे तो रात को मैं देख नहीं पाया, लेकिन अभी देखो क्या यहाँ खूबसूरत। ये पूरा एंट्रेंस का नज़ारा है कुछ इस तरह, वहाँ से बारात अंदर आएगी एंड ये पूरा अंकल का घर है, पूरा सजावट किया हुआ है। यहाँ पे राइट साइड पे हॉल बनाया है जहाँ पे गेस्ट लोग आके रुकेंगे एंड खाना पीना सब वहाँ पे रहेगा। मेरे सिक्स पैक्स आए। क्या बात करते हो, सिक्स पैक्स आए कहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैक्स आए, सही है। मुझे भी टिप्स देना, मैं भी ऐसे बनाऊंगा मस्त सिक्स पैक्स सिक्स पैक्स। ऐसे ही अकेले अकेले क्या खा रही हो? चिप्स खा रही हो? मुझे खिलाओ छोटा सा, इतना बड़ा नहीं, छोटा 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 छोटा। थैंक यू, वेलकम। हाय करो सबको, हाय।
सो अच्छा लग रहा है ना तिलक वगैरह लगा के, जब आप फंक्शंस में अटेंड करते हो तो जब तिलक लगाते हो तो एक ट्रेडिशनल कल्चरल वाली वाइब्स आती है।